तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिंदगी यूपी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं RVNL के बारे में, राजस्थान विद्युत उत्पाद निगम लिमिटेड। RVNL जो JEN और AEN का जो एग्जाम आने वाला है। देखो, राजस्थान जो JEN जो इलेक्ट्रिकल वाला है उसकी अभी डेट नहीं आई है, और उसका मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो सितंबर में पेपर नहीं होने वाला है, उसकी एक्सपेक्टेड डेट जो है वो आपकी अक्टूबर में होने वाली है। तो जो राजस्थान JEN जो इलेक्ट्रिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके पास अभी टाइम है, लेकिन जो मैकेनिकल और राजस्थान AEN के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए टाइम नहीं है, क्योंकि 5 या 6 सितंबर में से आपकी कोई डेट होने वाली है। तो आपके पास अगर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट भी लगाया जाए तो 14 से 15 दिन बाकी। तो आपको अब पैटर्न वाइज तैयारी करनी चाहिए कि कौन से का ज्यादा वेटेज है, कौन से का कम वेटेज है। उसी हिसाब से देखो, मैंने कुछ प्रीवियस वीडियोस बना दिए कि आपकी कट ऑफ पिछली ईयर्स में क्या रही है और आगे एक्सपेक्टेड क्या होने वाली है। तो ये तो किसका कुछ नहीं पता, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है, तो उसमें कोई भी स्पेकुलेशन नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन जो प्रीवियस ट्रेंड क्या रहा है वो मैंने वीडियो बना दिया, आप जाके देख सकते हैं, जो पूरी वीडियोस पड़ी हुई हैं उसमें जाके आप RVNL की सर्च करके देख सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं उसके पैटर्न की। देखो, पैटर्न कुछ इस प्रकार है। आपका टेक्निकल पोर्शन है, जो टेक्निकल आपका जो भी डोमेन है, इलेक्ट्रिकल है या मैकेनिकल है, उसका जो आपका टेक्निकल पोर्शन है वो 120 मार्क्स का है, 60 क्वेश्चन है और 60 मिनट मिले। और जो आपका नॉन टेक पोर्शन है उसमें आपके 80 क्वेश्चन है, 80 मार्क्स है और 60 मिनट है। मतलब दोनों का टाइम अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि आप अगर टेक्निकल अटेम्प्ट कर रहे हो तो नॉन टेक्निकल में आपको मिल जाएगा, अगर नॉन टेक्निकल अटेम्प्ट कर रहे हो तो टेक्निकल में जाने को मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पहले टेक्निकल अटेम्प्ट कर रहे हो तो टेक्निकल के आप स्विच नहीं कर सकते नॉन टेक में। तो 60 मिनट आपको पूरा का पूरा टेक्निकल में दिया जाएगा, जिसमें 60 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, और वो 120 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। जैसे करो, सपोज आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपका 0.25 कटेगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 0.5 कटेगा। तो 0.25 मतलब 25% आपकी नेगेटिव मार्किंग है किसी गलत क्वेश्चन पे, ठीक। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन होंगे। हाँ, हर में आपको 4 ऑप्शन मिलते थे, इसमें 5 ऑप्शन मिलेंगे, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है पेपर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके टेक्निकल पोर्शन की। देखो, टेक्निकल पोर्शन में मैंने पहली भी वीडियो बना दी कि आपको क्या क्या फोकस करना चाहिए एज पर एज मैकेनिकल इज कंसर्न। अगर देखो, RVNL जो JEN है इलेक्ट्रिकल का, उसमें अभी टाइम है थोड़ा सा, तो आप ESC प्रीवियस ईयर लगा सकते हो, आपके पास टाइम है, और आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी देख सकते हो RVNL के। लेकिन जो अब जो JEN है जो मैकेनिकल वाले बच्चे हैं उनके लिए भाई टाइम नहीं है, तो टेक्निकल तो जितना प्रिपेयर हो गया होगा उनके लिए हो गया होगा। लेकिन नॉन टेक्निकल में अगर आप देखोगे तो देखो, 8 नंबर की रीजनिंग आ रही है, 8 नंबर की इंग्लिश आ रही है, 8 नंबर की हिंदी आ रही है, 8 नंबर का मैथ आ रहा है, यानी कि 4 हो गए 8 8 8 8, यानी कि 32 मार्क्स की आपकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। मतलब 8 नंबर की हिंदी, 8 नंबर की इंग्लिश, 8 नंबर की रीजनिंग, 8 नंबर की आपकी FT, मतलब वो जो मैथ वाला पोर्शन है, मतलब चारों पोर्शन ऐसे ही आ रहे हैं। तो आप मैथ का देखो, डिटेल में मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा कि डिटेल में आपका सिलेबस क्या है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पड़ी हुई है, जाके ज्वाइन करें, जिससे कि आपको प्रीवियस ईयर के और भी एग्जाम के पेपर हैं, RVNL का तो शायद नहीं, उस पर जितने भी PSU हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल वगैरह, बहुत सारे पेपर पड़े हुए हैं, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका जो डिटेल में सिलेबस है वो मैं वहाँ पे डाल दूंगा, और कुछ कटआउट भी लगा दूंगा आपका क्या है यहाँ पे, मतलब पैटर्न का कटआउट लगा दूंगा, और जो भी आपका सिलेबस है वो मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू, आप लिंक से जाओ टेलीग्राम में, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो अब नॉन टेक में आपकी जो राजस्थान GK वाला पोर्शन है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि देखो मैंने 4 तो आपको ये बता दी, ये आपका 32 नंबर का हो जाता है 8 32 करके, लेकिन जो रिमेनिंग पोर्शन है 48 मार्क्स की आपकी GK आती है। और GK में 2 पोर्शन है, एक राजस्थान GK, एक आपके नेशनल GK। तो ये 2 पोर्शन आपके हो जाते हैं, एक राजस्थान GK के और एक आपके नेशनल GK के। तो ये 2 पोर्शन आपको प्रिपेयर करने हैं वेल। और आपके देखो, उसमें भी जो 12 मार्क्स की है वो आपके नेशनल GK है, और जो 36 मार्क्स की है वो केवल और केवल राजस्थान GK। तो राजस्थान GK का जो रोल प्ले होने वाला है इस पेपर में बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट लेवल पे होने वाला है। या तो आप राजस्थान GK को छोड़ के सारा पेपर प्रिपेयर करो, मतलब आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और नेशनल GK, और टेक्निकल बहुत बढ़िया होना चाहिए, जब जाके सिलेक्शन हो सकता है, मतलब सब में पूरे में नंबर आने चाहिए। या फिर आपको राजस्थान GK भी इंपॉर्टेंटली तैयार करनी पड़ेगी। अगर देखो, आपको किसी को भी इनको अगर ज़रूरत है कि राजस्थान GK के मेरे को नोट्स नहीं अवेल कर पा रहे, या फिर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो देखो मैं उसके लिए एक मूमल करके एक मैगजीन आती है, राजस्थान में होती है। तो अदर स्टेट वाले लोग कैसे परचेज करेंगे, उनको कैसे लेना पड़ेगा, तो अगर आपको अगर ज़्यादा नीड हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना, या फिर वहाँ पे बता देना टेलीग्राम पे कि भाई नीड है, तो मैं आपको PDF उसकी प्रोवाइड कर दूंगा, कहीं ना कहीं से लाके आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर किसी को नीड हो तो, अगर बहुत सारे बंदे बोलेंगे तो भाई मैं डेफिनेटली डालूंगा, अगर यार एक दो के लिए तो फिर मैं क्या ही अरेंज करके लाऊंगा, अगर एक दो कोई बंदा बोले तो उसके लिए मैं क्या ही अरेंज करूंगा। अगर ज़्यादा बंदों को नीड हो तो मैं मूमल वैक्सीन ले आऊंगा,
जो कि आपको जनवरी से लेके मई तक की शायद मैं आपके लिए अरेंज करके दे दूंगा, जनवरी से लेके मई तक की, और एक दो महीने का आप जाके कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं। तो जैसे मई तक मैंने प्रोवाइड कर दी, तो जून जुलाई अगस्त का आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो कम से कम आपके जनवरी से लेके यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, इतनी ही जीके आएगी, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। तो टेक्निकल पोर्शन में आपका जितना भी हो गया उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। नॉन टेक्निकल पोर्शन में देखो हिंदी का भी मैं पूरा बता दूंगा सिलेबस क्या 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 आने वाला है। वैसे देखो थोड़ा बहुत आपको रिकॉल करा देता हूँ, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं, पर्यायवाची वगैरह तो क्या ही करोगे आप, तो थोड़ा बहुत तत्सम तद्भव वगैरह ऐसा कुछ पोर्शन आने वाला है। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया हो। अगर जीके आपकी नीड हो तो मेरे को बता देना, अगर ज़्यादा बंदे बोलेंगे तो मैं डेफिनेटली इसको अरेंज करके दूंगा, आई विल अरेंज फॉर यू, तो उसके लिए आप चिंता ना करें, अगर ज़्यादा बंदे बोलेंगे मेक श्योर दैट। तो चलो मिलते हैं किसी अगले धमाकेदार वीडियो में। आपके लिए IVNL की और स्ट्रेटेजिक वीडियो ले आऊंगा, अभी आपके लिए टाइम है, 14-15 दिन का टाइम है, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो और आप अपना जी जान लगा दो, क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, तो आपका डायरेक्ट CVT के थ्रू जो भी मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।